सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए न्यू डिज़ाइन का टेबल मैट लेकर आई हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो मेरे पास है थोड़े थोड़े उनके गोले बच जाते हैं उनसे मैंने इनको बनाया हुआ है, और यहाँ पे कुछ फ्रेम के फूल भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और फिर इनको इस तरह से टच कर दिया है। और मैंने ये किस तरह से बनाया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थ्री फंदे डाले हुए हैं। मैं इसको थ्री फंदे से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहला फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे और इसी में से पीछे एक साइड लेके एक फंदा और बढ़ा लेंगे इस तरीके से। दो हो गए हमारे एक के धागा आगे साइड करेंगे और ये फंदे हम सीधे इसी तरह से उल्टे बना लेंगे। जब हम इधर की साइड आएंगे तो इसमें से भी एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, हमें दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। एक साइड करेंगे और ये फंदे हम इस तरह से उल्टे बना लेंगे। हर सिलाई पे हमें एक फंदा इधर से एक फंदा इधर दोनों साइड से हमें बढ़ाना है। वो हमें इसको उल्टा ही उल्टा पूरा बना के कंप्लीट करना है। एक फंदा हम इधर से बढ़ा लेंगे, इस तरीके से धागा एक साइड करेंगे और ये हम पूरे उल्टे बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड, इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। एक फंदा ऐसे एक एक ही फंदे में से हमें जाली नहीं डालनी है, इसी में से जैसे मैंने यहाँ से एक लिया पीछे की साइड से इसमें से एक और ले लेना, एक का दो, इस तरीके से हमें इसको करना है। देखिएगा एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, ये इस तरह से मैंने लिया और एक हम इस तरीके से पीछे से ले लेंगे, एक का दो हो गया। धागा एक साइड करेंगे वही हम इस तरह से बनाएंगे। जितना भी बड़ा बनाना है हमें उसी हिसाब से हम इसमें फंदे बढ़ाते जाएंगे। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसी तरह से हम एक फंदा इसमें एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करना है। और जब तक ये हमारे ऊपर के फंदे 26 नहीं हो जाते तब तक हमें इसी तरह से ये फंदे हमें बढ़ाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 26 फंदे बना लिए हैं, एक इधर से एक इधर से इस तरह से बढ़ा के मैंने यहाँ पर मेरे यहाँ पर 26 फंदे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 26 फंदे कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से एक एक करके घटाना शुरू करेंगे। आप घटा कैसे भी घटा सकते हैं, ऐसे भी घटा सकते हैं उल्टे में, एक फंदा इधर से घटाएंगे। जिस तरह से हमने एक फंदा इधर से घटाया बढ़ाया था उसी तरह से हमें यहाँ से एक एक फंदा घटाना है। बाकी सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब हम इधर की साइड है, हमने एक फंदा इधर से कम किया है, अब एक फंदा हम इधर से भी कम करेंगे। इसी तरह से हमें जब तक हमारे पास लास्ट में तीन फंदे ना बच जाएं, इसी तरह से हमें एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से कम करते हुए जाना है।
जैसे कि हमने एक फंदा एक इधर से एक उधर से बढ़ाया था, उसी तरह से हमें एक फंदा इधर से और एक फंदा उधर से घटाते घटाते हमारे पास तीन फंदा बच जाएंगे। उसके बाद हम इसका आगे का स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मेरा एक पीस बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे देखिए तीन फंदे आ चुके हैं। मैंने यहाँ से एक फंदा यहाँ से कम करते करते मेरे यहाँ पे तीन फंदे बचे हुए हैं। अब हम यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। कोई सा भी कलर आप जैसे इसके हिसाब से आप कोई सा भी कलर नीचे लगा सकते हैं जो इसमें अच्छा लगे। मैं यहाँ वाइट कलर लगा रही हूँ। और कलर हमें जितने भी कलर लगाएंगे हम एक ही साइड से लगाएंगे, दोनों साइड से नहीं लगाने हैं। ये वाला धागा हम कट कर देंगे। फिर से हम वैसे ही यहाँ से एक फंदे जैसे हमने नीचे से बनाया था वैसे हम यहाँ बनाएंगे। एक फंदा इधर से हमें फिर से बढ़ाना है, दोनों साइड से जैसे कि हमने नीचे बनाया बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे भी बनाते हुए कंप्लीट करना है। और एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे, फंदा बढ़ाते जाएंगे। और जैसे कि हमने वहाँ पे बनाए थे 26 फंदे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी इसमें भी 26 फंदे बढ़ा लेंगे। और फिर से हम कम करेंगे तो फिर से तीन फंदे बचेंगे। उसके बाद हम दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। बस इसी तरह से हमें आपको जितना भी लंबा बनाना है आपको उसके हिसाब से इसमें तीन पीसेस आप बना लीजिएगा। इस तरह से मेरी तीन पीसेस बनके कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी पीस भी हम इसी तरह से बना लेंगे। आपके पास जैसे भी कलर का बूल हो आप उस तरह से उसमें इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। इसमें जितने डार्क कलर होंगे उतने ही बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड बाकी पीस भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। जितना भी बड़ा आपको बनाना है लंबाई में या चौड़ाई में उसके हिसाब से आप इसके पीस कंप्लीट। इस तरह से ये मेरे सारे पीसेस बनके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जितना भी बड़ा बड़ा बनाना है उसके हिसाब से आप अपने पीस कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो हमारे पास जो कलर कलर की वेस्टेज छोटी छोटी ऊन बच जाती है उसको भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम इस तरीके से यहाँ तक हम इनको ज्वाइंट करेंगे। इनको हम पीछे के साइड से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और इसको भी हम ये दोनों हिस्से हमें ज्वाइंट करने हैं। पहले धागा नीचे की साइड नहीं आना चाहिए, ऊपर की साइड से ही हमें धागा लेना है। और यहाँ से हमें इसको सिलाई कर देना है। कोई सी भी कलर के धागे से आप यहाँ से पीछे सिलाई कर सकते हैं। हल्का सा टच करना, ज़्यादा नहीं करना है। हम सारे पीस हम इसी तरह से टच कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम ये वाला हिस्सा ज्वाइंट करेंगे। एक कॉर्नर हमें एकदम मिलाना है तो हम इस तरह से यहाँ ऊपर ऊपर का हिस्सा लेंगे हम, ये और ये। इस तरीके से हमें इसको ज्वाइंट करना है। बाकी पीसेस भी हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिएगा ये हमारे दो ज्वाइंट हो चुके हैं। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको पूरा सिल के रेडी कर लिया है। मैंने पूरे हिस्से इनके यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए हैं और मैं इसको इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर आपको इस तरह से ही रखना है तो आप ऐसे ही भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी फ्लावर बना के लगा सकते हैं या कुछ भी, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये देखिए फ्रेम के फूल बनाए हुए हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से इनको जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला यहाँ पे टच किया हुआ, इसी तरह से यहाँ पे इसको भी हम टच करेंगे। इसको हमें इसके हमें रॉन्ग साइड से यहाँ पे बैक साइड से इसको हम यहाँ से सेट करेंगे। फ्लावर हमें इस तरह से उल्टा रखना है, एक साइड ये हमारा सीधा है। यहाँ पे मैंने एक मोती भी लगाया हुआ है और यहाँ से हम इसको बीचे बीच में रखेंगे। और एक सुई में आपको जैसे भी कलर का बूल लगाना हो वो बरोएंगे और इसके बीच से इस तरह से देखिएगा यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ऊपर का हिस्सा लेंगे, नीचे तक नहीं लेके जाना है।
तरीके से, ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो फिर से हम इसी में डालेंगे, हम इधर की साइड ये हमारे बीच बीच ही आना चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखना। अब इधर की साइड इस तरह से हम इसको चार पांच जगह से टच कर देंगे, ऐसे हमें ये देखिए जैसे कि मैंने ये वाला कंप्लीट किया हुआ है, ऐसे ही हम इसको पूरा कंप्लीट करके हम इसके सारे कॉर्नर टच कर देंगे। अगर आपको क्रोशिया से इसको टच करना था आप उसे भी इसको यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ से हम इसको अच्छी तरह से बांध देंगे तो नीचे एकदम बढ़िया जाली की तरह नीचे हमारा ये शेप दिखाई देगा। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से मेरे चारों फूल बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और मैंने इनको इस तरह से टच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक हम ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 28 फंदे डाले हुए हैं और हम इसको क्या करेंगे, पूरे सिलाई इस तरह से उल्टा बनाएंगे। हमें यहाँ पे एक सिलाई आगे से और एक सिलाई पीछे से, दोनों सिलाइयाँ इसी तरह से उल्टी उल्टी निकाल लेनी है। सिलाई बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक फंदा इधर से आगे से मैंने एक फंदा कम कर दिया है, पूरी लाइन इसी तरह से बनाएंगे और एक फंदा इधर की साइड से। जब हम दूसरी वाली सिलाई बनाएंगे इस तरह से हमें दोनों साइड से एक एक फंदे कम करते हुए जाना है, फंदे हमें हर सिलाई पे कम करना है। तो हमारे धीरे धीरे घटते घटते हमारे पास एक फंदा बचेगा, वहाँ से हम इसको बंद कर देंगे, इधर से इसी तरह से हमें हर सिलाई में इसी तरह से पूरे फंदे कम करते हुए जाना है। इस तरह से हमारे ये ट्रायंगल बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें सेट करेंगे, इसको हम इसके बैक साइड से इसमें हम सेट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से जो हमने इसका धागा ऊपर से कट नहीं किया हुआ है उससे ही हम इसको पूरा हम सेट करने पूरा सेट कर देंगे इसको, और ऐसे ही हम इसके सारे कॉर्नर जो हमने लास्ट में ये छूटे हुए हैं सारे कोने हमें इसको इसी तरह से मैंने ट्रायंगल बना के इनको पूरे में सेट करना है। इस तरह से हमारा ये टेबल मैट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने ये सारे कॉर्नर पैक कर लिए हैं, देखिए इस तरह से सारे मैंने जो ट्रायंगल बनाए थे वहाँ पर मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया है सारे में। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आपको मैं कमेंट द्वारा आपको पूरा समझा दूँगी। तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।